मिर्ची बॉलीवुड सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि नरीन भी खुश नहीं है, वो नहीं चाह रहा ऐसी कोई चीज़ें करना, लेकिन सबूत सारे जो हैं वो पूजा और पूजा के घर वालों के खिलाफ हैं, क्योंकि यहाँ पे अंगराज का लॉकेट, उसका आईडी कार्ड, उसके शूज़ इस घर से मिले हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन है कि अंगराज की बॉडी शायद यहाँ है, लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है। और ऊपर से नरीन इसे समझने की कोशिश भी, एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी चाहे तो भी, उसका जो फैमिली से प्रेशर है, माँ ने इतने दिन से खाना नहीं खाया, वो इतनी बुरी हालत में खुद की जान देने की कोशिश कर रही है, प्लस इतने घर पे सब टेंस्ड हैं, तो ही नीड्स टू स्टैंड फॉर हिज फैमिली, फॉर हिज मदर एंड एवरीवन। उसने यही ठान लिया कि जब तक मेरे भाई की लाश नहीं मिल जाती, आपके घर के बेटे को अग्नि नहीं मिलेगी। डेफिनेटली, क्योंकि पूजा अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल जस्टिफाइड है उसका नाराज़ होना, उसका गुस्सा होना, बट इस वक्त नरेन भी इतना हेल्पलेस है कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। और अभी यही देखना है कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री है, जो प्यार है, वो इन सब से जब गुजरते हैं तो किस मुकाम पर लाके खड़ा हो जाता है, जब दो परिवार ही एक दूसरे के आमने सामने हो तो दो प्यार करने वाले कैसे साथ रहेंगे, तो ये काफ़ी मज़ेदार होगा देखना। थैंक यू।